अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम सैयद मोहम्मद जमशेशिया, एम एस पावर पॉइंट वर्जन 2021 के 7th लेक्चर में मैं आप सबको खुशामदीद बोलता हूँ। और जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। जब तक आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखेंगे, तब तक आपको ये वाले लेक्चर या अगले लेक्चर समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो चले हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने सिस्टम में, हमें अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ओपन करना है, तो विंडो आर बटन प्रेस करें, डन कमांड बॉक्स आ जाएगा। इसके अंदर आपको लिखना है पावर पीएनटी, POWER पावर में पहले भी लेक्चर बनाए हैं, तो रिसेंट में वो हमारे पास आ चुका है पावर पीएनटी। ठीक है, पॉइंट को कंप्लीट नहीं लिखना, पॉइंट को सिर्फ पीएनटी लिखना है और इंटर का बटन प्रेस करना है या ओके के बटन प्रेस करना है। थोड़े से प्रोसेस के बाद हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ठीक है, हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, तो हम इधर से एक थीम ले लेते हैं। मैं इस थीम पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने इस थीम पे क्लिक किया, तो कलर हम ये डार्क कलर ले लेते हैं। डार्क कलर पे हमने क्लिक कर दिया, उसके बाद हम करते थे क्लिक। ठीक है, उसके बाद जो हमारी थीम थी वो हमारी स्लाइड के ऊपर लग चुकी है। तो ये हमारे पास टाइटल है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था इसको आप कैसे करेंगे। तो इस लाइन के ऊपर क्लिक करें और डिलीट का बटन प्रेस करें, कीबोर्ड से डिलीट हो जाएगा, या फिर इस लाइन पे क्लिक करें, लेफ्ट बटन प्रेस करें माउस से, और ये लिखा हुआ है डिलीट हमारे पास नहीं, इसके अंदर ऑप्शन नहीं आ रहा डिलीट का। चलें आप ऐसे डिलीट कर लें, राइट क्लिक करें और डिलीट का बटन प्रेस करें कीबोर्ड से, तो ये चीज़ हमारे पास डिलीट हो जाएगी और इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, हमने एक शेप दिया था, ये मैंने शेप दिया था, जैसे मैंने शेप को ड्रैग किया था तो हमारे पास ये टेप ओपन हो चुकी थी, जिसके अंदर जितने इसके अंदर जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे हम क्लियर कर चुके थे। तो इस शेप को मैं डिलीट कर देता हूँ, चलते हैं हम वापसी अपने। अब है हमारे पास अरेंज, तो याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको ये ऑप्शन भी पढ़ा चुका हूँ, 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 ये भी, ये भी, ये भी। री ग्रुप मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन फिर से मैं बता दूं कि जब आप किसी दो ऑब्जेक्ट को ग्रुप में कन्वर्ट करो, ठीक है, ग्रुप में आपने उसको कन्वर्ट कर दिया, उसको फिर से आपने अनग्रुप कर दिया, उसको फिर से आप ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसको री ग्रुप करना। ठीक है, अलाइन है, ये हमारे पास शेप की भी अलाइन होती है, टेक्स्ट की अलाइन होती है, रोटेट ऑप्शन ये भी मैं पढ़ा चुका था, सिलेक्शन पेन ये भी मैं पढ़ा चुका था। तो मैं दिखा देता हूँ, क्या पता आपके माइंड में नहीं हो, मैं दिखा देता हूँ कि ये वाले ऑप्शन फॉर्मेट शेप फॉर्मेट में थे या नहीं थे। ये रहा ब्रिंग फॉरवर्ड हमारे पास, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, ग्रुप, रोटेट, अलाइन, ठीक है, यही वाले ऑप्शन थे हमारे पास। और अगर हम इसको कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल बी से पेस्ट, ठीक है, अब मेरे पास दो हो चुके हैं, ये हमारे पास ऑप्शन एक्टिव हो चुके हैं, तो इसके अंदर ये और मजीद ऑप्शन हैं। ठीक है, तो वापसी हम होम में चलते हैं। होम के अंदर मतलब अब ये सारे ऑप्शन में आप लोगों को पता चल, कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ ऑप्शन आपके पास डीएक्टिवेट होंगे। अब ये देखें कि ये मैंने इस पर क्लिक किया, मैं शेप फॉर्मेट में आ गया, ये देखें डीएक्टिवेट है। अब ये क्यों डीएक्टिवेट है, ग्रुप वाला भी डीएक्टिवेट है, ये इस वजह से डीएक्टिवेट है, ये इस वजह से चल नहीं सकता क्योंकि ये दो शेप के ऊपर काम करे। मैं जैसे ही कंट्रोल सी कंट्रोल बी करता हूँ, ये देखें वो चीज़ एक्टिव हो चुकी है। ठीक है, कुछ ऑप्शन इसके अंदर ऐसे होते हैं जो जब आप दो शेप लेते हैं या कोई दो तस्वीर लेते हैं तब वो एक्टिव होते हैं। अब देखो ग्रुप वाला एक्टिव नहीं, तो क्यों नहीं हुआ, वो इस वजह से एक्टिव नहीं हुआ जब हम दो शेप को सिलेक्ट करेंगे या दो तस्वीरों को सिलेक्ट करेंगे तब होगा, क्योंकि ग्रुप को आपको पता है कि अगर ज़्यादा बंदे होंगे तभी ग्रुप बनता है, नहीं तो कोई ग्रुप नहीं बनता। तो जैसे ही मैंने सिलेक्शन लिया तो ये देखें ग्रुप में हो चुका है, मैंने ग्रुप कर दिया। ठीक है, ग्रुप मैंने कर दिया, ये फिर भी ग्रुप करूँगा, फिर से ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं ऑप्शन बोल दूंगा। क्विक स्टाइल हमारे पास डीएक्टिवेट है। मैंने आपको अभी बताया कि जैसे हम कोई शेप लेंगे, तस्वीर लेंगे, कुछ ऑप्शन हमारे पास उस वक्त एक्टिव होंगे। तो जाते हैं होम में, देखा एक्टिव हो गए। तो ये ऑप्शन भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये ऑप्शन ये रहे हमारे पास क्विक स्टाइल, ये वाली चीज़ है क्विक स्टाइल। इसको हम बोलते हैं शेप की टेम्पलेट्स बोल दो या आप थीम बोल दो, इसके अंदर ये सारे कलर्स होते हैं। ठीक है, ये देखें आप देख सकते हैं,
कैसे ये चेंज हो रहा है, ये सेट लगता है, कुछ अच्छा लग रहा है दिखने, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी मैं पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद हम शेप फिल में ये ऑप्शन भी मैं सारे पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। शेप आउटलाइन ये सारे ऑप्शन भी मैं पढ़ा चुका हूँ। शेप इफेक्ट ये सारे ऑप्शन भी मैं पढ़ा चुका हूँ। अभी हमारे पास फाइंड शॉर्टकट की कंट्रोल थी। अब फाइंड का काम क्या होता है आप लोगों को मालूम है, फाइंड माना तलाश। तो फाइंड हमारे पास तलाश करता है ऐसी चीज़। मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, शेप में जाता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स मैंने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लिया, ठीक है। मैं इसमें रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ, या गए। अब मुझे इसके अंदर फाइंड करना है लेजी वर्ड। मैं कंट्रोल एफ प्रेस करूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया फाइंड का ऑप्शन, फाइंड का टेक्स्ट बॉक्स। मुझे करना है लेजी फाइंड, ठीक है। मैंने फाइंड नेक्स्ट किया तो ये देखिए सिलेक्शन में आ चुका है। दूसरा किया फिर दूसरा आ गया सिलेक्शन, फिर किया फिर आ गया दूसरा, मतलब जितने भी होंगे वो नेक्स्ट होते जाएंगे होते जाएंगे। अब उसके बाद है फाइल होल वर्ड्स ओनली, जितने भी हैं उन सबको फाइंड करना, ठीक है। होल वर्ड्स मतलब सारे वर्ड्स हैं, मैच ये उसका लगभग जैसा वर्ड हो, मैच इसको भी आप छोड़ते हैं, अलिफ हमजा मतलब ये उर्दू का है। तो आपका जो काम है बस आप उसको इधर आप अपना वर्ड लिखें और फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करें, ठीक है। अब ये ऑप्शन देखें रिप्लेस का, ये ऑप्शन हमारे पास बाहर है। तो मैं आप लोगों को इधर से भी समझा देता हूँ बाहर से। जैसे रिप्लेस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए लेजी वर्ड ऊपर लिखा हुआ है। अब हो रहा है आप लेजी वर्ड को किससे कन्वर्ट करना चाहते हो। मैं करना चाहता हूँ ए सी टी आई वी, एक टिप्स रिप्लेस ऑल। तो आप देखें कि जहाँ जहाँ लेजी वर्ड था वहाँ वहाँ एक्टिव आ चुका है। ये रहा एक्टिव ड्रॉप, ये रहा एक्टिव ड्रॉप, ये रहा एक्टिव ड्रॉप, और ये रहा हमारे पास एक्टिव ड्रॉप, ये रहा हमारे पास एक्टिव, इधर हमारे पास लेजी वर्ड। तो हमारा फाइंड का ऑप्शन भी हो गया, रिप्लेस का भी हो गया। तो अब हम इधर देख लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वही वाला टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। साइड पर क्लिक करें, उसके बाद रिप्लेस या रिप्लेस फॉन्ट, मतलब फॉन्ट को भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अपने इस फॉन्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास। मैं सिर्फ इस फॉन्ट को सिलेक्शन करके आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए चेंज हो गया। अगर यहाँ से नहीं करना तो इधर आ जाए, रिप्लेस फॉन्ट पर क्लिक करें, ठीक है, इधर आए मिथ पे ड्रैग करें। मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन थोड़ी सीधो क्लिक, तो देखते हैं कन्वर्ट होता है या नहीं होता, रिप्लेस में करते हैं। तो देखें हमारे पास चेंज हो चुकी है हमारी जो फॉन्ट थी। आप यहाँ से भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और ये रिप्लेस के ऑप्शन के अंदर से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। उसके बाद हमारे पास है सिलेक्ट, सिलेक्ट ऑल शॉर्टकट की कंट्रोल थी, कंट्रोल ऐसे हमारे पास क्या होगा सिलेक्ट। अब देखें इसके अंदर दो सिलेक्ट ऑल, आप देखें इसको मैं एक मिनट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास है दो टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, एक ये ऊपर वाला एक ये नीचे वाला। अब मैंने कहीं भी क्लिक नहीं, मैंने स्लाइड पे क्लिक किया हुआ है, अगर मैं कंट्रोल ए करूँगा तो जितने भी टेक्स्ट बॉक्स होंगे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करनी है किसी भी एक टेक्स्ट बॉक्स से तो उस टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने एक्टिव पे क्लिक कर दिया। अब कंट्रोल ए करता हूँ तो जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट है वो वाले सिलेक्ट करें, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब हम इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हमारे पास हो गया पावर पॉइंट का आइकन हो गया या फिर एम एस वर्ड का आइकन हो गया, तो ये उस चीज़ की बात होगी, ठीक है। आगे जाके ये ऑप्शन आएगा तो घबरा नहीं। उसके बाद सिलेक्शन पे, ये ऑप्शन में पढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये ऑप्शन ऐसा काम करता है कि जो भी आप अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शेप लेते हो, सॉरी जो भी अपनी स्लाइड के अंदर शेप लेते हो या जितने टेक्स्ट बॉक्स लेते हो, अगर उनों को आपको अपनी स्लाइड में रखना है तो आप रख सकते हैं। अगर उसको स्लाइड में रखना है लेकिन और बंदों को नजर रखना है, जैसे मेरे पास ये टेक्स्ट बॉक्स रखा हुआ है मैंने, ठीक है, टेक्स्ट, अगर मैं सिलेक्शन पेन के आके हाइड आउट कर दूंगा टेक्स्ट बॉक्स वो इसी के अंदर है, लेकिन कोई बोलेगा भाई ये तो खाली फाइल, ठीक है, मतलब अपना डेटा हाइड करने के लिए, तो ये हम सिलेक्शन पेन इस्तेमाल करते हैं, शो ऑल या हाइड ऑल, शो ऑल, हाइड ऑल, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। तो जो हमारा होम टैब था वो कंप्लीट हो चुका है। आज का लेक्चर बस इतना ही,
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। अब आप ये इन्फॉर्मेशन दें और आपके दोस्त ये इन्फॉर्मेशन ना दें, ऐसे कोई बात नहीं। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।